Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Cities Skylines. तो जैसा कि आप सभी लोग को पता ही होगा कि इस गेम में मैं अपनी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी बना रहा हूँ. इस सिटी में मैंने लोगों के रहने के लिए मस्त मस्त घर बना दिए हैं, उनके काम करने के लिए फैक्ट्री, शॉपिंग करने के लिए मार्केट, और साथ के साथ मैंने एक बहुत ही सुंदर सिटी भी बनाया जो कि थोड़े अमीर लोगों के लिए. वहाँ पे मस्त स्कूल, हॉस्पिटल और सुपरमार्केट जैसी मस्त मस्त फैसिलिटीज हैं. बट आज के वाली वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक मेट्रो सिस्टम. मतलब क्या हो रहा था ना कि अभी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए बस यूज करनी पड़ रही थी, और मेरे पास ना ज्यादा बस डिपो नहीं है और ना उन्हें चलाने के लिए सड़क पे अलग से लेन है. तो बसेस की वजह से बहुत ट्रैफिक हो रहा था. तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग बना दे एक मेट्रो, ताकि लोग भर भर के एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं और अपनी फिर से बहुत सारी कमाई हो. क्योंकि जितना पैसा इस गेम में मैं कमाऊंगा ना, उतना ही ज्यादा मैं सिटी को एक्सपेंड और अच्छा कर पाऊंगा. तो मैं हूं इस सिटी का गॉड. वेट, गॉड नहीं, मैं इस सिटी का मैं सरकार हूं इस सिटी की, और मुझे सिटी को कंट्रोल करना है. लेट्स गो, चलते हैं गेम में. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय सिटी जिसका नाम है, वेट, मैंने अपनी सिटी का अभी तक नाम ही नहीं रखा है कुछ. तो आप लोग जाके कमेंट्स में बताओ कि अपनी सिटी का क्या नाम रखना चाहिए. बट हाँ, उससे पहले ना मैं आपको एक मस्त सिटी टूर देता हूँ कि अपनी सिटी में क्या क्या है. तो देखो, सबसे पहले ये वाली जो साइड है ना, ये सारा का सारा रेजिडेंशियल एरिया है. यहाँ पर अपना लोग बाग के घर हैं. किसी का बड़ा बंगलो है, तो किसी का छोटा सा अपार्टमेंट है. तो बट बंदों के घर के बाहर लंबोर्गिनी खड़ी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यानी यहाँ पर अमीर अमीर बंदे रहते हैं. और इसी की दूसरी साइड पर ये जो थोड़ा गंदा सा एरिया दिख रहा है ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया है. यहाँ पर सारी फैक्ट्री वगैरह है, जिस वजह से थोड़ा पोल्यूटेड काम ज्यादा हो रहा है. तो पेड़ पौधे सड़बड़ गए हैं, और बंदों के घर में पानी की दिक्कत कैसे आ रही है. हेलो, पानी की पाइप. अच्छा वाह, मैंने पानी की पाइप नहीं डाली इधर. रुक जाओ, मैं एक पानी की पाइप यहाँ डाल देता हूँ. अभी इनके घर में जो पानी की दिक्कत आ रही थी, आई होप ये सोल्व हो जानी चाहिए. ओए, आ रहा है पानी, झूठ मत बोलो. यस, गट गया, हट गया, सिंबल हट गया. लेट्स गो, मेरे शहर में किसी को प्रॉब्लम नहीं आने वाली. तो ये है अपना इंडस्ट्रियल साइट, और ये है सबसे लग्जरी एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था. यहाँ पर देख रहे हो क्या मस्त हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन बड़े वाला, और इस तरफ में तो भाई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, और सबसे अमीरों के घर हमने इधर बनाए हैं. हाँ, देखने में ये भी ऐसे छोटे सस्ते ही लगते हैं, बट एक्चुअल में अमीर घर हैं. आई मीन थोड़े अमीर लोग रहते हैं यहाँ पर. भाई एक सेकेंड, यहाँ पर एक अबेंडेंट बिल्डिंग है. मेरे को ना इस शहर में कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं चाहिए. ये देखो, इनको कूड़े की दिक्कत आ रही है. मतलब तुम कूड़ा भी फेंकोगे? अमीर बंदे भी कूड़ा फेंकते हैं क्या? चलो इनको बाद में सॉल्व करेंगे इनकी प्रॉब्लम. फिलहाल आज मेरे को बनानी है मेट्रो. क्योंकि सीन पता है क्या है, इन दोनों सिटीज के बीच में ना एक मस्त नदी जाती है. प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, बट उस नदी पे जाने के लिए ना लोगों को पता है क्या करना पड़ता है. देख रहे हो, इस वाले फ्लाईओवर पे गाड़ी चढ़ा के पूरा यहाँ से घुमा के बड़े रास्ते से ले जाना पड़ता है इन्हें. फिर ये लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, फिर जाते हैं इस वाली सिटी में. तो जो रास्ता है वो ओवरऑल बहुत बड़ा है. तो एज अ स्मार्ट बॉय, मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक छोटा शॉर्टकट रास्ता नहीं बनाऊंगा. मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ मेट्रो, ताकि जितने भी लोग ये बड़ा हाईवे यूज करते हैं ना इस सिटी में आने के लिए, वो लोग मेट्रो से आए. मेरे को मेट्रो में ज्यादा से ज्यादा पब्लिक चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाऊं. और मेट्रो में बनाने वाला हूं फुल शॉर्टकट, ताकि बंदों का टाइम, पेट्रोल सब बचे. तो ये वाला जो रास्ता है ना सिटी का, ये काफी चौड़ा है. इसको सीधा ले जाकर मैं कनेक्ट कर दूंगा इस रास्ते से. मतलब मेट्रो का ब्रिज बनने वाला है इधर अभी. बट हां यार, ब्रिज बनाने से पहले ना मुझे ये देखना होगा कि मैं मेट्रो स्टेशन कहां पे बनाऊं. तो अभी वर्ल्ड को फुल स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम मैं करने वाला हूं. तो सबसे पहले मुझे लेना है जाके एक मेट्रो स्टेशन. अपने पास तीन टाइप के हैं. एक है कि मैं सड़क पे बना दूं, एक है एक फ्लोर ऊपर बनाऊं, और एक है अंडरग्राउंड. वैसे यार अंडरग्राउंड ना बेस्ट रहेगा. एक्चुअल में मेट्रो का मतलब ही यही होता है कि अंडरग्राउंड. वैसे मेट्रो का मतलब तो अंडरग्राउंड ट्रेन ही होता है, बट अपने को थोड़ी इंडियन वाइब चाहिए. तो जैसे अपने दिल्ली मुंबई में बनी है ना, कुछ वैसी मेट्रो यहाँ पे बनाते हैं. तो सबसे पहले मेट्रो का एक बड़े वाला स्टेशन लेते हैं, जिससे मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे. बट एक सेकेंड, मुझे एक रोड तोड़ना पड़ेगा. सॉरी, अच्छे वाले रोड को तोड़ रहा हूँ मैं. यार काफी महंगा रोड था, बट कोई बात नहीं. एक बार मेट्रो बन गया ना, तो इससे ज्यादा कमा लेंगे भाई. तो मेट्रो का स्टेशन मैं बना देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, काफी ठीक दिख रहा है. ओके वाओ, स्टेशन बन चुका है. ये देखो, उस टाइम पर ये कुछ ऐसा दिख रहा है चारों तरफ से, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है भाई. डन. तो अभी मुझे इस रास्ते को कनेक्ट कराना है इस सामने वाले रास्ते से यहाँ पर, जो कि बहुत ही गंदा रास्ता है यार. भाई एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? मेरी सिटी में फैक्ट्री वाला एरिया तो बहुत ही गंदा हो रहा है भाई. छी, मैं नहीं आ रहा यहाँ. हाँ, मतलब मेट्रो को यहाँ से लाना पड़ेगा. मैं सोच रहा हूँ अंडरग्राउंड कर दूंगा भाई, ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो अभी फटाफट से हम लोग यहाँ पर ट्रैक कनेक्ट करते हैं, जो कि उस पार तक जाने वाला है. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ट्रैक को थोड़ा सा ऊपर लाना होगा, एंड यहाँ से इसे कनेक्ट करा के ले जाते हैं फुल स्ट्रेट. लेट्स सी ये ब्रिज के पार कहाँ तक एकदम सही तरीके से आ रहा है. थोड़ा सा उठाना पड़ेगा ऊपर को. नाइस, ये यहाँ तक तो अच्छे से आ गया है, बट आगे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की वायर की. तो देखो भाई, यहाँ तक तो मेट्रो फुल सीधी आ रही है, तो इसे यहाँ तक ले आते हैं. इतना ब्रिज मैंने बना दिया, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है भाई. गाड़ी वगैरह जानी होगी, वो भी मस्त एकदम जा सकती है. ओके, तो अभी ब्रिज अपना कुछ इतना बन चुका है. ये स्टेशन है, यहाँ से अपना ट्रैक जा रहा है पूरा यहाँ तक. अभी मुझे
वेट, थोड़ी बहुत चीजें टूटने वाली है क्योंकि मेट्रो के रास्ते में जो आएगा ऑब्वियसली मुझे वो सारा हटाना पड़ेगा, बट मैं ट्राई करूंगा कि कम से कम चीजें तोड़ू क्योंकि ये सारी फैक्ट्रीज से भी कमाई होती है यार अपनी। तो अभी मेरा प्लान है कि क्यों ना यहाँ से इस मेट्रो को अंडरग्राउंड कर दिया जाए। तो एक काम करते हैं, अंडरग्राउंड करने से पहले मैं यहाँ पर एक स्टेशन बना देता हूँ। इस पूरी सिटी का सबसे सेंटर वाला एरिया मेरे को ये लग रहा है, आई थिंक यहाँ पर एक स्टेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर ना एक अंडरग्राउंड स्टेशन बनाते हैं। वाओ, अंडरग्राउंड स्टेशन का तो काफी फायदा है, बहुत कम एरिया में बन जाता है यार। तो फिर तो बेस्ट है स्टेशन को मैं बना देता हूँ यहाँ पर, सिटी के थोड़ा सा अलग साइड पे बनाए, बट यहाँ पर भी फुटपाथ है, चलेगा, लोग बाग आएंगे यहाँ पर जाने के लिए यार। तो अभी मुझे यहाँ से एक ट्रैक लेकर आना है जो कि अंडरग्राउंड आएगा और इस अंडरग्राउंड वाले मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट हो जाएगा। भाई ये काम थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि मुझे अभी सच में इन फैक्ट्रीज को तोड़ना पड़ सकता है, या फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ कि इस वाले पार्ट को तोड़ दूं और यहाँ से एक न्यू ट्रैक लूं जो कि यहाँ से थोड़ा नीचे को आएगा। ऐसे जाएगा क्या अंडरग्राउंड? यस ये जाएगा जाएगा जाएगा, क्यों नहीं जाएगा भाई। तो ट्रैक को पहले मैं यहाँ तक लाता हूँ, थोड़ा सा और अंडरग्राउंड कर देते हैं चाहे तो। अपना मेट्रो ट्रैक यहाँ तक तो आ गया है, इसके बाद मुझे लाना है यहाँ पे और ये हो गया कनेक्ट। नाइस, आई थिंक मेट्रो एकदम मस्त कनेक्ट हो चुकी है। वेट मैं चेक कर लेता हूँ, ये है एक स्टेशन जो कि मेट्रो जा रही है यहाँ से और इस वाले पार्ट से मैंने इसे अंडरग्राउंड कर दिया जो कि भाई बहुत सही तरीके से हुआ है। एक फैक्ट्री, भाई वेट, मैंने कोई भी फैक्ट्री तोड़ी नहीं। नाइस, यहाँ से मेट्रो फुल अंडरग्राउंड हुआ है और यहाँ पर आगे कनेक्ट हो गया जिसे मैं शायद ऐसे करके चेक कर सकता हूँ। वेट, मेट्रो का व्यू ये देखो, ये जो ग्रे वाला है ना, ये लाइन है, ठीक है। यानी अभी इन दोनों सिटीज को तो मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मेट्रो को चलाऊं कैसे। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, एक सेकंड, इस इलेक्ट्रिसिटी को तो मैं पहले यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। थोड़ी बहुत चीजें तोड़फाड़ हुई है, बट तुम्हारा भाई सब ठीक कर देगा। लेकिन यार एक सेकंड, मेट्रो क्यों नहीं चल रहा है? लग गई है भाई, मेट्रो डालो तो इसमें। ओ वेट, मुझे ना शायद से एक रूट बनाना पड़ेगा, ऐसे रैंडम थोड़ी चला देंगे मेट्रो। तो रूट मैं रखने वाला हूँ, इस स्टेशन से मेट्रो जाएगा इस स्टेशन पे एंड इसी स्टेशन से वापस आएगा इस स्टेशन पे, राइट? आई थिंक मैंने कर तो दिया है भाई, चला दो यार मेट्रो, चला दो भाई, क्या दिक्कत आ रही है? लोग आ रहे हैं क्या? कोई एक जन तो जा रहा है, जा 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 मेट्रो में, जा मेट्रो में जा। अरे यार चला गया। मेट्रो चल तो गई है बट लोग, ओ वेट, लोग जा रहे हैं स्टेशन में। ये देखो मेट्रो आया, मेट्रो आया, मेट्रो आया, गया भाई, लेट्स गो। अभी थोड़े थोड़े लोग मेट्रो में आने लग गए हैं। नाइस, लेट्स गो गाइस, अभी बहुत क्रेजी सीन हो गया। अब धड़ाई धड़े यहाँ पर मेट्रो जा रही है, दो दो चल रही है, दो दो आ रही है, देखो एक गई और यहाँ पर एक आई और अभी बहुत सारे लोग भी यूज करने लग गए हैं। लेट्स सी कितने एक बार में पैसेंजर्स आ जा रहे हैं इससे। एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई? भाई बहुत सारी भीड़ अंदर जा रही है अभी तो। मेट्रो स्टेशन में भी मस्त भीड़ लगने लग गई है, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उतर रहे, आ रहे, भाई फुल भीड़, लेट्स गो। कमाई कितनी तेज हो रही है भाई, ये क्या चमत्कार कर दिया मैंने तो। ये भाई अभी पैसों की दिक्कत पूरी लाइफ टाइम नहीं होने वाली क्योंकि ये देख रहे हो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में क्या भर भर के बंदे जा रहे हैं। ओहो भाई क्या मजा आ रहा है देखने में। ये देखो गए 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 गाइस, बस ना दो सेकंड देखो कि कितने सारे लोग मेट्रो में जा रहे हैं और जैसे मेट्रो वापस आता है तब देखना क्या होगा। ये गए बंदे गए 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 गए, फॉर एग्जांपल अभी एक मेट्रो आई, ये देखो भाई क्या भीड़ आ रही है भाई। भाई क्रेजी चीज बिल्ड कर डाली मैंने मेट्रो को, मुझे और एक्सटेंड करना है यार, अभी तो पूरा फैलाना है शहर में। यार मुझे ना समझ नहीं आ रहा कि जो मेरा इंडस्ट्रियल जोन है ना, यहाँ पर मैक्सिमम बिल्डिंग अबेंडेंट क्यों जाती है थोड़े टाइम बाद। आई थिंक इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि मेरे शहर में फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा है, यानी इम्प्लॉयज की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर शहर में इतना पब्लिक है ही नहीं तो लोग बाग यहाँ पर काम करने नहीं आ पा रहे। और अभी तो यहाँ पर भाई कूड़े का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना दो मिनट निकाल के एक नया थोड़ी डंप साइट बना दूं, ये वाला रास्ता यूज करता हूँ और थोड़ा ना साइड चल के शहर से यहाँ पे कुछ बना देते हैं। ये मेरे पास लैंड खाली पड़ा हुआ है, सबसे पहले तो एक ये बना देता हूँ और साथ में एक ये बना देता हूँ। अब इन दोनों के थ्रू भाई बहुत ज्यादा अपना काम सोल्व हो पाएगा, यहाँ से ट्रक ही ट्रक निकल कर जाएंगे शहर का सारा कूड़ा उठाने के लिए। चलो 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 भाई, वेस्ट मैनेजमेंट का तो सारा पानी की पाइप रह गई, बस एक डाल दूं मैं। चलो भाई पानी की भी समस्या दूर हो गई। ये क्या हो गया भाई, ट्रक की लाइन क्यों लग रही है? हेलो भाई, ये देखो अभी ट्रक कूड़ा लेने जा रहे हैं तो लाइन लग गई क्योंकि रस्तों में ट्रैफिक बहुत है। मैं काम करता हूँ, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक रास्ता और कनेक्ट करा देता हूँ ना, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अभी ट्रक दो साइड से जाओ भाई, बट जल्दी जल्दी कूड़ा उठाओ, जितनी भी फैक्ट्रीज है ना, मैं चाहता नहीं हूँ लोग मेरा शहर छोड़ के जाएं। बाकी हाँ, मैं फोकस कर रहा था मेट्रो पे तो एक सेकेंड ये क्या हो रहा है मेरे शहर में भाई? हेलो, इतनी सारी डेथ क्यों हो रही है? भाई वेट, पॉज करो, इतनी सारी डेथ क्यों हो रही है सिटी में, हर घर में मेडिकल क्लिनिक? ये मैंने थोड़ी लालच के चक्कर में हुआ, मैंने पता क्या करा था, अच्छा वाला हॉस्पिटल अच्छे वाले शहर में बनाया था और इस शहर में छोटे छोटे मेडिकल क्लिनिक थे बहुत सारे, बट शायद यहाँ पर कोई तो प्रॉब्लम हुई है, कोई बीमारी आई है जिस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहिए। अरे यार इतने सारे लोग मर गए, सॉरी गाइस। मैं काम करता हूँ इसे थोड़ा वेल कनेक्टेड ही रखते हैं, पहले तो मैं एक हॉस्पिटल बना ही देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे इन सबके लिए यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड टाइप भी कुछ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बना देता हूँ। बहुत सारे घर टूटेंगे बट अभी अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ना रेजिडेंशियल एरिया को और एक्सपेंड करना ही है यार, मतलब मेरे को अपने शहर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना है रहने के लिए ताकि मेरा इंडस्ट्रियल जोन चले। आई मीन सब कुछ ना बैलेंस होना चाहिए तभी एक शहर अच्छे से चल
पाएगा। मैंने यहाँ पे काफी बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाए हैं बट ये भी काफी छोटे पड़ गए, इतनी पॉपुलेशन आ चुकी है। बाकी सिटी को थोड़ा सा पॉज करते हैं अभी ना, मुझे कुछ कुछ कामों पे फोकस करना है। तो सबसे पहले ना मैं मेट्रो सिस्टम पूरा कंप्लीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं इसमें ज्यादा टाइम जाने वाला है। तो मेट्रो की एक लाइन मैंने यहाँ तक डाल दी थी, मैं सोच रहा हूँ कि इसको पूरे शहर में कनेक्ट होना चाहिए। इस शहर से आई और यहाँ पर एक राउंड मार के इसे वापस कर देते हैं। तो यहाँ से ये आएगा इधर अंडरग्राउंड और फिर इसके बाद इसे सीधा घुमाते हैं राइट में। फिर देखो मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि सिटी का ना सेंटर वाला एरिया ये है, जैसे अपने दिल्ली है ना कनॉट प्लेस, तो ये कुछ वैसा सा एरिया है। एक मेट्रो स्टेशन यहाँ पर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ट्राई करता हूँ क्या कोई अंडरग्राउंड स्टेशन मैं यस यहाँ पे बना सकता हूँ, ईजी है, डन। एक स्टेशन ना भी यहाँ पे मैंने बना दिया, ये देखो काफी ऐसा छोटा सा है बट यहाँ पर अगर लाके मेट्रो कनेक्ट करा दी ना तो सारा शहर का ट्रांसपोर्ट उधर, मतलब पब्लिक उधर जा पाएगा इजीली। आई नो मैं यहाँ पर सिमेट्री फॉलो नहीं कर रहा हूँ बट अभी प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। और वैसे भी अंडरग्राउंड क्या सिमेट्री यार, बनाओ रस्ते, काम खत्म करो। ये लो मेट्रो आके एकदम मस्त यहाँ से कनेक्ट हो गया। थोड़ा अजीब सा मेट्रो मैप बनने वाला है बट ठीक है ना। ओके तो अभी मेट्रो आया है इस सिटी से पूरा ऊपर से यहाँ तक होते हुए, अभी इसको घुमा के वापस ले जाना है। तो यहीं से ले आते हैं इसे सीधा यहाँ तक और यहाँ से इसको ले जाते हैं वापस शॉर्टकट में यहाँ तक। यहाँ पर एक स्टेशन बनाते हैं। वेट, स्टेशन बनाने से पहले शहर ही थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? पॉपुलेशन तो बड़ा नहीं है एट द एंड, तो शहर भी बड़ा करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कट करता हूँ थोड़ी सी, पहले भी बनेगा, शहर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सड़कें मैंने शुरुआत में गलती कर दी थी पतली पतली बनाकर बट अभी मैं सारी सड़कें थोड़ी चौड़ी, और मैं ना ट्राई करूंगा थोड़ी चौड़ी सड़क ही बनाऊं। स्टार्टिंग में जो गलती करती भाई बाद में नहीं करनी, सड़कें जितनी ज्यादा चौड़ी रहेंगी उतना बेस्ट है भाई। तो ये परफेक्ट है, यहाँ पर भी एक अंडरग्राउंड स्टेशन में बना देता हूँ कुछ इस टाइप का। और अभी मेरे को यहाँ पे लाके मेट्रो लगाना है। ओ पैसों का कमी भाई, अभी गेम्स कंटिन्यू करना पड़ेगा भाई। शहर में ना बिजली का प्रॉब्लम आ जाएगा, मैं जिस हिसाब से काम कर रहा हूँ बिजली का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। वाटर लाइन भी डाल देते हैं इधर, यहीं से कनेक्ट कराते हैं अपार्टमेंट सिटी से। तो वैसे ना अभी मैं एक नया एरिया भी परचेस कर सकता हूँ। देखो मेरे पास काफी सारे नए नए एरिया ओपन हुए हैं, इधर भी पीछे भी, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये वाली साइड लूँ क्योंकि यहाँ पर ना एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी है प्लस यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक भी है। अगर मैं ये वाला एरिया परचेस करता हूँ तो मैं ट्रेन भी बना पाऊंगा, मेट्रो अलग है ट्रेन अलग है, तो मैं ये वाला बाय कर रहा हूँ। यस तो इसे परचेस कर लेते हैं जो कि 9000 का है। अपने पास अभी पैसों का कमी नहीं है, फटाफट बाय करना है सब कुछ, लेट्स गो। अभी अपने पास एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ चुका है बढ़िया। और भाई मैं इसको तोड़ वोड़ भी नहीं सकता क्या? वो नहीं तोड़ सकता हूं। तोड़ना नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। एक ओल्ड स्टेशन वाइब दे रहा है भाई। ओके वापस से काम शुरू करते हैं भाई। मेट्रो पे पैसों का कमी पड़ गया था बट अभी पैसा आ चुका है अपने पास। मेट्रो लाइन अपनी लास्ट आई थी यहाँ तक, मुझे इसे कनेक्ट कराना है यहाँ पे, तो कर देते कनेक्ट। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि एक स्टेशन अपोजिट साइड पे बनाते हैं जो कि थोड़ा बहुत क्लोज ही हो जाएगा मतलब इस वाले मेट्रो स्टेशन से। और ऑनेस्टली बताऊं तो यार यहाँ पर ना ज्यादा जगह भी नहीं है, मतलब बन जाएगा मेट्रो बट जगह की कमी तो है। ओके हाँ एक स्टेशन इधर बनाते हैं भाई, ये इंडस्ट्रियल साइड पर कोई भी स्टेशन नहीं था तो यहाँ पर एक स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। पानी की पाइप, पानी लाओ भाई, सब सॉर्टेड है। अब बस मेट्रो अंडरग्राउंड ले जानी है और वापस से उस सिटी में कनेक्ट करानी है। तो ये लिए मेट्रो ट्रैक भाई, पैसों का सच में गंदा कमी आ गया अभी। ओके तो फर्स्ट मेट्रो कनेक्ट होगा यहाँ पे जो कि नहीं हो पा रहा है भाई पैसों की। भाई 52,000, मैं लोन ले सकता हूँ क्या भाई? मेरे को अभी फटाफट से लोन चाहिए होगा। काफी सारी यूनिक बिल्डिंग्स अनलॉक होने वाली है कुछ देर में बट लोन की बात कहाँ होगी यार। मुझे ना फटाफट से अपार्टमेंट्स भी बनाने पड़ेंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा है यार। हाई डेंसिटी कमर्शियल जोन, हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल जोन बनाते हैं। और मैं एक काम करता हूँ, छोटे छोटे रोड काट के पहले ना एरिया पूरा एक्सपेंड करते हैं भाई ताकि ज्यादा से ज्यादा घर बना पाऊँ मैं। यहाँ पे रस्ते बना रहा हूँ भाई मैं तो फटाफट से, बाद में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करते रहेंगे। ठीक है भाई अभी मेरे को समझ आ गया मेरे को कैसे काम करना है। यहाँ पर एक रास्ता है, फिर थोड़े से गैप पे एक और रास्ता। नहीं ऐसे नहीं। वैसे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। फुल कंजस्टेड वाइब आने वाली है भाई इधर, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स इतने कम एरिया में बनने वाला है ना, बहुत गलत होएगा। लेट्स गो भाई, पूरा भर दो एरिया। रुको वेट, ये पहले तोड़ देता हूँ मैं वापस से। चलो भाई पूरा भरो इसे, अपने को कमी पड़ रही थी ना लोगों की रहने की जगह की, अब पूरा भर दिया मैंने शहर, रहो जितना रहना। लाओ 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 अपार्टमेंट्स लाओ बड़े वाले, सांस लेने की जगह नहीं बचेगी यहाँ पर, इतने घर बना दूंगा। पॉपुलेशन भी तो बढ़ना चाहिए, इतनी सारी सर्विसेज आ रही है उसमें घूमेगा कौन? इलेक्ट्रिसिटी भी शॉर्ट है, थोड़ी में सारे घर बनते चले जाएंगे। एक तो जितनी भी बिल्डिंग अबेंडेंट हो जाती है ना मुझे से टाइम टू टाइम तोड़ना भी पड़ता है वरना अगल बगल वालों को प्रॉब्लम होता है। बाकी हाँ सब कुछ एकदम मस्त हो गया। ओ वेट, जितनी गलियां पानी की पाइपे सब कुछ करना है, ऐसे जरूरी नहीं है, मैं एक भी डाल दूंगा काम हो जाएगा उसमें भी। है ना आ गया सबके घर में पानी। यस तो सब कुछ इधर बढ़िया बन रहा है, पूरा एरिया एकदम मस्त एक्सपेंड हो चुका है। मेट्रो स्टेशन बनाया था मैंने, पैसे का मैं वेट कर रहा था जो कि मेरे पास अभी भी नहीं आया, मतलब आया था बट मैंने सारा खर्च दिया ना। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, जब तक पैसा आ रहा है तब तक इतना करता हूँ कि जितनी मेट्रो बनाई है एटलीस्ट उसको तो कनेक्ट करा के स्टार्ट करूं। तो एक लाइन जाएगा यूं और यहीं से एक लाइन आएगा वापस का यूं।
ठीक है, तो भी मेट्रो और बढ़िया वर्क करने वाला है। मतलब मेट्रो का भाई पूरा बेस्ट सीन है, यहाँ से सारी मेट्रो एकदम मस्त वर्क कर रही है। थोड़ा सा फास्ट कर देखते हैं कि कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं अलग अलग स्टेशन से। फर्स्ट स्टेशन से होते हुए आते हैं, तो ये अपना फर्स्ट मेट्रो स्टेशन जहाँ पर भीड़ अभी भी उतनी है, मतलब पूरा भर रहा है। ओके, तो ये अपना फर्स्ट मेट्रो स्टेशन जहाँ पे भर भर के भीड़ आ रही है। ये देखो ऊपर भी काफी लोग चढ़ रहे हैं, मेट्रो भाई मेट्रो में चढ़े उतने ही उतरे भाई, नाइस। ओहो ओहो भाई बहुत सारे लोग हैं इसमें। तो अभी चलते हैं सेकंड स्टेशन पे। तो ये अपना सेकंड स्टेशन भाई, यहाँ पे भी बहुत सारी पब्लिक है, देख रहे हो उतने ही लोग अंदर जा रहे हैं और उतने ही ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। परफेक्ट भाई, मेरे को यही चाहिए। अभी चलते हैं फटाफट से हम लोग अपने तीसरे मेट्रो स्टेशन पे, जो कि मैंने सेंटर में बनाया था। ये रहा, ये सब सुनसान पड़ा है, कनेक्ट नहीं है यार। ये कनेक्टेड है बट यहाँ पर कोई उतर नहीं रहा है। नहीं कोई बात नहीं, पता नहीं यहाँ ऐसा क्या सीन है, लोग ना यहाँ पर अंदर जा रहे हैं ना उतर रहे हैं। मेरे को उससे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ये भीड़ लग जाएगी यहाँ, पता नहीं क्या है इधर। बाकी एक स्टेशन यहाँ भी था ना, कहाँ गया ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये वाला फिर भी चल रहा है भाई, ये फिर भी चल रहा है, बहुत लोग जा रहे हैं इसमें। ये देखो भाई बहुत भीड़ जा रही है इसमें उल्टा भर के। ये वाला शहर अच्छा भी लग रहा है यार, बहुत सारे रोड है ना इधर, फुल बेस्ट सोसाइटी। एक सेकंड, इधर पानी का प्रॉब्लम आ गया यार, ठीक है अभी सबके घर में। यार इस वाले मेट्रो स्टेशन में ऐसे क्या प्रॉब्लम आ गई, मतलब देख रहे हो एक एक दो दो लोग जा रहे हैं बस, क्या सीन है यार। मैं बजट कम करूँ क्या, पता नहीं यार। बट ये वाला मेट्रो स्टेशन तो एकदम सुनसान पड़ा है, लोग यहाँ पर ना उतर रहे हैं ना यहाँ से चढ़ रहे हैं। भाई सबसे बेस्ट है अपना ये वाला शहर भाई, यहाँ पर ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी फैसिलिटीज हैं, कूड़ा कचरा सब कुछ एकदम मस्त आ रहा है। मतलब इस वाले शहर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बस यहाँ से पैसा आता है भर भर के। ओके, तो मेट्रो सिस्टम बहुत ही अच्छे से बन चुका है। अभी सारी प्रॉब्लम ना मेरे को इंडस्ट्रियल एरिया की है। ये जो लेफ्ट में नीचे बार आ रहा है ना, ये डिमांड बार है कि किस चीज की कितनी ज्यादा डिमांड है। तो इंडस्ट्रियल जोन की डिमांड अभी बढ़ने लग गई है जब से मैंने यहाँ पर थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ाई है, बट साथ के साथ ऑफिस जोन की भी बढ़ रही है भाई। और कूड़े कचरे का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है भाई, मैंने इतना मस्त मस्त चीजें बना तो दी अभी, इतनी बड़ी साइट बनाई है, यहाँ पे ला के डालो ना कूड़ा, और बड़ा कर दूंगा इसको, एक और प्लांट लगा दूंगा बगल में ही। ले भाई ये लो, और बताओ, ये लो एक और लगा दिया। अब मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि इसको ना सिटी से अंडरग्राउंड कनेक्ट कर दूं। मतलब ये जितने भी ट्रक्स है ना, ये देख रहे हो इनका लाइन लग रहा है, ये टाइम पर जगह पे पहुंच नहीं पा रहे, कूड़ा पिक नहीं कर पा रहे। तो अभी मैं लगाने वाला हूँ अपना तगड़ा वाला दिमाग। पहले तो लेते हैं ये वाला मस्त रास्ता और इसको कनेक्ट कराते हैं यहाँ से थोड़ा अंडरग्राउंड आके। यहाँ तक आए अंडरग्राउंड, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आकर मुझे इसको यहाँ से कनेक्ट कराना है भाई। ट्रक्स की ना लाइन लग गई है पूरी गंदी वाली। वेट यार एक सेकंड, इसको ढंग से बनाते हैं। डन, तो अभी यहाँ पर से ना मैंने एक मस्त रास्ता कनेक्ट करा दिया है। अब फटाफट से सिटी को प्ले कर देखते हैं कि ट्रक्स यहाँ वाला रास्ता यूज करो ना यार, ये बना है ना सही से। ओ यस, ट्रक गया उधर से निकला, नाइस। तो अभी मेरे को लगता नहीं है कि जो ये ट्रक वाला प्रॉब्लम है ना, मतलब कूड़े वाला आने वाला है सिटीज में भाई, क्योंकि जो नया शहर मैंने बनाया था ना यहाँ पर, तो भर भर के कूड़े कचरे का प्रॉब्लम हो गया है। अब इसके अंदर से जाओ ना, नाइस, अभी ट्रक जाने लग गए भाई, बहुत सही सीन होगा, बहुत सही। अगर मैं यहाँ पर रेड लाइट का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, मतलब इधर से जब कोई गाड़ी आती है ना तो इनको रुकना पड़ता है। आई डोंट थिंक मैं यहाँ पर एक फ्लाईओवर भी बना पाऊंगा साथ के साथ, ट्राई करते हैं। वैसे उससे बेस्ट सॉल्यूशन पता है क्या है, इधर ना बगल में एक छोटा सा रास्ता काट के यूं लगा दूं तो लोग जाएंगे क्या। अबे ले, उल्टा और ट्रैफिक लगने लग गया अभी तो भाई, ये क्या हो रहा है यार। रुको भाई, शहर मस्त चल रहा है, बस ना कूड़े के जो ट्रक है वो टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि उनका रास्ता बहुत गलत बना हुआ है। मैं एम्बुलेंस यूज कर रही है भाई शॉर्टकट को सबसे ज्यादा, मतलब हाँ अच्छी बात है, मतलब अच्छी चीज के लिए यूज हो रहा है अपने अंडरग्राउंड टनल। ओ भाई अभी तो इस वाले शहर में भी कूड़े का प्रॉब्लम आ गया, क्या करें भाई। मैं देखो रुको कुछ सॉल्व करता हूँ प्रॉब्लम। इतनी मस्त सिटी में मस्त मेट्रो बनाकर ये प्रॉब्लम आएगा, मैंने नहीं सोचा था। कमाई भी अच्छे से हो रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बट लोग बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि ये देख रहे हो कितने सारे बीमार के सिंबल आ गए हैं, क्योंकि शहर में गंदगी बढ़ रही है, उनके घर से कूड़ा कचरा टाइम पे नहीं निकल रहा है तो उसकी वजह से बीमार हो रहे हैं। ये टनल काफी हेल्पफुल तो है बट इससे मैं कैसे करूं। एक मस्त सॉल्यूशन ये होगा कि क्यों ना मैं इस रास्ते को डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर दूं पहले तो। बट वेट, अभी मुझे समझ आया, मेरे को वन वे रोड यूज करना चाहिए ना यार। अगर मैं सिर्फ इस रोड को वन वे कर दूं तो यहाँ पर तो नहीं, सॉरी ये तो मैंने रोड अपग्रेड कर दिया, फिर ये वाला रोड भी अपग्रेड कर देते हैं। जो रोड अपग्रेड हो सकते हैं एटलीस्ट वो कर देता हूँ ना। ये भी अपग्रेड करो भाई। चलो भाई सब कुछ अपग्रेड हो गया, अभी चौड़ा अंडरग्राउंड हो चुका है, पर प्रॉब्लम अभी भी है ट्रैफिक का। नहीं ये तो हाईवे फेल कर दिया इस रास्ते में मैंने। थोड़ी ना साइड्स को मूव करता हूँ ताकि ना मैं थोड़े चौड़े रोड बना पाऊँ, ठीक है। आई थिंक काफी हद तक इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया और शहर में अभी थोड़ी देर में जितना भी कूड़े कचरे वाला प्रॉब्लम है ये सारा हट जाएगा, क्योंकि अभी इस अंडरग्राउंड टनल से काफी सारे ट्रक्स आ रहे हैं, दबा के ट्रक्स आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम कुछ ही देर में सॉल्व हो जाएगा। अभी मैं दूसरी प्रॉब्लम पे चल सकता हूँ। हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत। ओ अबे भाई यहाँ तो एक सेकंड, इधर ज्यादा दिक्कत है। अरे यार मैं कोई नई जगह नहीं खरीद सकता क्या अभी, मैंने गलत लैंड खरीद लिया, मुझे ये लैंड खरीदना था, मतलब मैं डंप साइट बना पाता कूड़ा कचरा फेंकने के लिए। अभी मुझे कुछ भी करके फटाफट से एक फ्लाईओवर लाना पड़ेगा ताकि जो ट्रक्स हैं वो दूसरी सिटी में भी जल्दी से पहुंच पाए, ठीक है यार। तो अभी सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट से एक फ्लाईओवर लेकर आते हैं और इस सिटी से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कनेक्ट
करा दूं क्या? मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि मैं इन दोनों सिटी को बहुत सेपरेट रखना चाहता था, बट ठीक है ना, बाद में तोड़ सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए कनेक्ट कराते हैं। डन। तो मैंने पहले थोड़ा सस्ते वाला बना दिया था, बट अभी थोड़ा अच्छे रोड वाला, चौड़े रोड वाला हाईवे बनाया। और भाई कब भर के लोग आ रहे हो शहर से भाई, प्लीज वहां से ट्रक भेज दो थोड़े। ओके, कूड़ा कचरा उठाने वाले ट्रक शायद यहाँ पर आ रहे हैं। और भाई वाओ, तो सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व, अभी यहाँ पर कोई बीमार नहीं पड़ने वाला क्योंकि कचरा सबका क्लीन हो गया 2 मिनट में। एक बंदे ने ट्वीट भी करा, आई वेट क्या था ट्वीट, पढ़ने दे। आई नेवर रियली थॉट अबाउट हाउ मच, ऑस्कर स्मिथ ने बोला, आई नेवर रियली थॉट अबाउट हाउ मच गार्बेज पाइल्स अप इन जस्ट 2 वीक्स। ब्रो अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, ये देख रहे हो थोड़ी देर पहले शहर बसाया था, पूरा क्या हो गया है इस सिटी को भाई, मैं थक गया हूँ भाई इतने बंदों को ला ला के। इंडस्ट्रियल जोन की डिमांड ना लिटरली है ही नहीं अभी, अभी सारा कमर्शियल जोन चाहिए। इंडस्ट्रियल जोन की डिमांड भाई बिल्कुल ही नहीं है, सारी डिमांड इंडस्ट्रियल जोन की डिमांड भाई बिल्कुल ही नहीं है, सारी डिमांड रेजिडेंशियल जोन की है। तो मुझे यानी अभी और घर वाले एरिया बनाने पड़ेंगे जहाँ पे लोग बाग आके रहे। तो जो मैंने नया एरिया खरीदा था भाई, मैं तो शहर को ना पूरा भरने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है अभी। जितने घर टूटेंगे कोई बात नहीं, बट मेरे को ज्यादा से ज्यादा घर अभी बनाने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस शहर के साथ भर डाला भाई, पॉपुलेशन 12,000 हो चुका है भाई और अभी डिमांड खत्म कर दिया है। अभी सारी जो डिमांड है ना वो इस टाइम पर मीडियम डिमांड ऑफ कमर्शियल जोन की डिमांड है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत एरिया बनाते हैं कमर्शियल जोन के लिए, ठीक है। तो एक तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर बहुत कमर्शियल है ना, हाई डेंसिटी कमर्शियल जोन इधर लगाते हैं हम लोग। और ये देखो भाई, जिस चीज की डिमांड होती है ना वो चीज तुरंत बिल्ड होती है, तो जहाँ जहाँ पर भी मेरे पास लैंड खाली है वहाँ पे मैं इसे प्लेस करवा देता हूँ। चलो भाई सारी डिमांड खत्म कर दो कमर्शियल जोन की, क्योंकि सब कुछ अभी बनना स्टार्ट हो जाएगा। गाइस अभी ना थोड़ी देर में काफी सारी नई चीजें अनलॉक होने वाली है, क्योंकि ये जो अपना नया माइलस्टोन है ना 14,000 पॉपुलेशन का, जैसे हिट होगा बहुत सारी नई चीजें अनलॉक हो जाएगी। वैसे अभी मैंने इतनी बड़ी सिटी बना ली है और अभी भी हर चीज की डिमांड बढ़ते जा रही है। सबसे पहली तो कमर्शियल जोन की डिमांड भाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है अभी, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ मेरे पास ना बिल्कुल भी जगह नहीं है अभी ये सब बनाने के लिए। आई मीन लैंड है, काफी सारा लैंड है, बट मैंने ये किसी और चीज को बनाने के लिए रखा हुआ है। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, सोच रहा हूँ सब कुछ यहाँ पे बना डालूं या ना बनाऊं। अभी ना थोड़ी बजट पैनल से छेड़छाड़ करते हैं, कूड़े का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसको तो कम कर देते हैं, या तो मैं सारी चीजों को ना थोड़ा बढ़ा के देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है, अपनी कमाई तेज होती है या फिर क्या होता है, क्योंकि शहर अभी बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत फैसिलिटीज है, तो मैं टैक्स बढ़ा सकता हूं। अगर मैं सारी चीजें डाउन कर दूंगा तो मेरे को यूसेज का प्रॉब्लम आ जाएगा ना। यस यस यस, पूरे शहर में दिक्कत होगी। वेट वेट वेट, वापस वापस करो। कुछ टाइम के लिए कमाई तो बहुत तेज हो गई थी, बट ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। ओवरऑल शहर बहुत अच्छा हो चुका है, ये वाला एरिया में फुल इधर हाई रेजिडेंशियल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इधर छोटे छोटे घर हैं जिसे मैं सोच रहा हूँ कि बिल्डिंग्स बना दूं, पर यार ये ना अपना पहला सिटी था तो मैं इसे चाह रहा हूँ कि जैसा एज इट इज वैसा का वैसा ही रहे। सामने वाली जो सिटी है इसे बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, बट इसमें भी अचानक से प्रॉब्लम आती है, खुद ही ठीक हो जाती है क्योंकि फैसिलिटीज अपने पास सारी है। बाकी ये एरिया है ऑफिस साइड, इसे मैं एक्सटेंड करूंगा बाद में, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं फोकस करने वाला हूँ ट्रेन को। आज मेट्रो स्टेशन पूरा कंप्लीट हुआ है, मेट्रो लाइन पूरी मस्त हो गई है, एंड सिटी को मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा क्योंकि अभी तीनों चीज की डिमांड बढ़ रही है। ग्रीन वाले का मतलब है रेजिडेंशियल जोन, लोग रहने आना चाहते हैं। ब्लू वाले का मतलब है अपना ऑफिस मार्केट ये सब, एंड ऑरेंज वाले का मतलब है इंडस्ट्रियल, जिसकी भी डिमांड कम है, बट मेरे को ऐसा लगता है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो चलो गाइस फिलहाल आज के सारे वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोग को बहुत मजा आया होगा, अच्छी लगी तो यार वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर एम करते हैं 600,000 लाइक के लिए, तो जाओ यार फटाफट से लाइक बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और जो लोग भी चैनल पर न्यू है जल्दी से जाओ नीचे मस्त एक प्यारा सा बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दो ताकि इन फ्यूचर ऐसे मस्त मस्त गेमिंग वीडियोस आप लोग देखते रहो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।